यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। यूथ कॉर्नर को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले। जौनपुर के किराकत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश कुमार के द्वारा पिछले दिनों चंदा न देने पर भाजपा पदाधिकारी एवं संघ के कार्यकर्ता के ऊपर 2.5 लाख राम मंदिर के नाम से चंदा मांगने का आरोप लगाया था, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ था। हम आपको बताते चलें, डॉक्टर राजेश कुमार ने भाजपा पदाधिकारी संदीप द्विवेदी एवं अन्य कार्यकर्ता के ऊपर धमकी का आरोप भी लगाया था, जिसकी सत्यता जानने के लिए द्विवेदी से फोन पर वार्ता किया, जिसमें संदीप द्विवेदी ने डॉक्टर राजेश कुमार के सभी आरोप निराधार बताया, जिसकी ऑडियो वीडियो हम आपको सुनाते हैं। शिव कुमार प्रजापति की खास रिपोर्ट। मछली सर, हमने मना कर दिया था कि अब नहीं दे पाएंगे। मछली सर, सांसद आप कौन थे फोन पर, ये नहीं बात करें, सांसद जी से बात कर लीजिए, हम नाम नहीं जानते। संदीप द्विवेदी किससे बात कराए थे वही जाने। संदीप द्विवेदी जी क्या है? वो विधायक वो सांसद प्रतिनिधि हैं। मतलब वही सांसद ना, मछली सर सांसद, बीपी सर। हाँ, किसके प्रतिनिधि हैं वो नहीं, वो खाली कहे कि सांसद जी से बात कर लीजिए। हमने कहा मैं सरकारी कर्मचारी, मैं नहीं दूंगा 2.5 लाख रुपया। बताइए, ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किराकत के अधीक्षक साहब हैं, इनके यहाँ कुछ लोग चंदा मांगने के लिए गए थे, तो उनका डॉक्टर साहब का कहना है कि हमने चंदा जो है नहीं दिया, तो ये हमारे ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए जो है नहीं देंगे, तो आपको यहाँ से चेंज करा देंगे। तो इसकी क्या सत्यता है और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने कम से कम हमको खंडन करने का मौका दिया। ये कई दिनों से इन्होंने मीडिया को बुला के अपनी कपोल कल्पित बातों के द्वारा समाज में एक भ्रम फैला रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। ये सब आरोप निराधार है। एक्चुअल वस्तुतः स्थिति यह थी कि हमारे यहाँ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए समर्पण राशि का सहयोग लिया जा रहा है, और हम कोर कमेटी के सदस्य होने की वजह से हमारे अभियान प्रमुख श्री सर्वेश दीक्षित प्रखंड अध्यक्ष बिहिप और जौनपुर के बिहिप के संगठन मंत्री श्री सत्यन जी थे, और कार्यशिवक हमारे साथ बड़े भाई श्री जितेंद्र सिंह जी थे। हम लोग समर्पण राशि सहयोग के लिए निकले हुए थे। बगल में हम लोगों ने श्री अधिवक्ता श्री रजनीकांत श्रीवास्तव जी के यहाँ भी जो है समर्पण राशि का सहयोग लिया। बगल में ही हॉस्पिटल पड़ता है, वहाँ पे हम लोग गए और माननीय चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश कुमार जी से बात किया कि आप उस पर चर्चा किया, सहयोग की बात की, तो उन्होंने सहयोग न देते हुए, सहयोग नहीं दिया, उनकी अपनी इच्छा, उनकी अपनी स्वेच्छा है। उन्होंने भगवान राम पर बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी की, साथ ही विहिप नेताओं को जो है अमर्यादित टिप्पणी करते हुए ढोंग बताया और बताया धनार्जन का एक माध्यम है, और भाजपा के उच्च नेताओं को भी बदनाम करने की कोशिश की। तो इस बात को हम लोग अपने उच्च अधिकारियों को बताए कि इनका ये ऐसा व्यवहार रहा, यही हम लोग के साथ उस दिन घटना घटी। तो आपका फोन आया था, संदीप द्विवेदी बोल रहा था भैया। नहीं जी, मैं संदीप द्विवेदी बोल रहा था। अच्छा, सॉरी, संदीप द्विवेदी सर, आप डॉक्टर साहब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने जो आपका ऊपर आरोप लगाया प्रभारी ने, उस पर आप अपनी सफाई में क्या कहते हैं सर? जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने कम से कम हमको खंडन करने का मौका दिया। जी, रविवार का दिन था जी, अभियान प्रमुख श्री सर्वे दीक्षित के नेतृत्व में जी, जो की विश्वंदु परिषद के प्रखंड अध्यक्ष भी है और जनपद जौनपुर के विश्वंदु परिषद संगठन मंत्री आदरणीय श्री सत्यन जी थे और कार्यशिवक श्री जितेंद्र सिंह जी थे। मैं कोर कमेटी का सदस्य हूँ, इस वजह से मुझे भी जो है समर्पण राशि सहयोग करने के लिए जाना था। हम लोग जा रहे थे सर, वहीं पे बगल में अधिवक्ता श्री रजनीकांत श्रीवास्तव जी के हम लोग समर्पण सहयोग लिए, और बगल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था जी, हम लोग भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ये हुआ कि चले समर्पण राशि की चर्चा और सहयोग की बात करेंगे जी। हम लोग गए वहाँ पे, डॉक्टर राजेश कुमार जी चिकित्सा अधीक्षक मिले, हम लोगों ने उनसे समर्पण राशि की चर्चा की, तो उन्होंने भगवान राम पर बड़ी अमर्यादित टिप्पणी की, विश्वंदी परिषद के लोगों को ढोंग और धनार्जन करने का माध्यम बताया, और भाजपा के उच्च पदाधिकारियों पर भी अमर्यादित टिप्पणी की जी, इसको लोगों ने अपने उच्च पदाधिकारियों को सूचना दिया। इतना सही मामला था।